मटन कोरमा, 3 रोटी, 1 बटर नान, 1 स्पेशल बिरयानी, 1 लखनऊ बिरयानी। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई चैनल फराह खान दिल्ली वाली। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगी जो दुबई में लखनऊ के जायके परोसता है, और वो जायके इतने अच्छे हैं, यकीन मानिए कि आप अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए उन जायकों को मैं आपको ज़रूर चखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं दुबई में लखनऊ की सैर करने। चलिए दोस्तों, यहाँ की किचन में चलते हैं और देखते हैं कि जो शेफ है वो क्या बना रहे हैं। तो किचन में है तो हाइजीन का और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सो आई एम वेयरिंग दिस हेड नेट, इज़ इट फाइन? ओके। हमारे साथ हैं शेफ़ वीरेंद्र, और वीरेंद्र जी उत्तराखंड से हैं और वो अब टुंडे कबाब बनाएंगे, और जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो वीरेंद्र जी शुरू हो जाइए और बताइए कि टुंडे कबाब का ये जो बैटर है कैसे बनता है और कितना टाइम लगता है इसको बनाने में। बेसिकली ये मटन मिन्स है, मटन लेकर मिन्स लेना है, उसमें गलावट के लिए पपाया डाला जाता है, और जो इसका मसाला है वो बेसिकली जो टुंडे कबाब है जो इसकी मेन ब्रांच है लखनऊ में वहीं से मंगाते हैं। अच्छा, इसको हम नहीं बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये एक जगह से आता है ताकि सेम टेस्ट रहे हर जगह का। अच्छा, इधर उधर ना हो थोड़ा सा। तो जो लखनऊ के टुंडे कबाब हैं फेमस, वहाँ से इसके लिए मसाला आता है ताकि जो टेस्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लखनऊ वाला रहे। अब वीरेंद्र जी फटाफट से बनाना शुरू कर दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। सलाउद्दीन साहब हैं जो शामी कबाब बना रहे हैं, और ये बैटर देखिए, और टुंडे कबाब का बैटर थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा सा थिक है। तो कुछ बताइए इस बैटर के बारे में सलाउद्दीन जी। ये पपाया नहीं पड़ता, दाल पड़ती है, दाल बीमार रहता। अच्छा, और मसाला रहता। तो कबाब हैं शामी कबाब या टुंडे कबाब, वो खाने का मज़ा पराठों के साथ ही आता है। तो अब ये सलाउद्दीन साहब एकदम गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए तैयार हैं, और देखिए टुंडे कबाब के साथ शामी कबाब भी सिख रहे हैं। तो टुंडे कबाब का भी मज़ा लेंगे और शामी कबाब का भी मज़ा लेंगे, और आपको बताएंगे कि यहाँ का जो जायका है वो कैसा है। तो जी, आपके हाथ में काफ़ी बड़ा ये मीट है, गोश्त है, ये क्या बना रहे हैं आप? ये हम बना रहे हैं मटन सीख। मटन सीख कबाब? अच्छा, तो ये एक कबाब का है ये? यस, एक कबाब। ओहो, वेरी नाइस। तो आप देखिए एक कबाब में तकरीबन मुझे लगता है आधा किलो ये गोश्त, ये होगा 250 ग्राम। 250 ग्राम, 250 ग्राम का एक कबाब बना रहे हैं। और ये नॉर्मल मटन सीख कबाब है या कोई और कबाब है ये? नहीं, ये मटन सीख। अच्छा, तो दोस्तों देखिए जनरली जो कबाब का साइज़ होता है वो इसका हाफ होता है जो हम लोगों ने अभी तक खाया है, लेकिन इसका आप साइज़ देखिए कितना बड़ा ये कबाब है, और पूरा एकदम मसालों से लबालब भरा हुआ, और तंदूर एकदम गरम है, और उसमें अब ये जो सीख है ये डालेंगे। तो ये देखिए पहली बार मैं इतना बड़ा जो कबाब है ये तंदूर में डाल रही हूँ। इसको ऐसे रख देते हैं। तो इंतज़ार की घड़ी हुई खत्म, और जिस खाने को हमने दिखाया किचन में जो तैयार हो रहा था, फाइनली वो हमारे सामने है टुंडे कबाब। तो ये टुंडे कबाब, मुझे
मुझे हरी चटनी ज़्यादा पसंद है, तो मैं हरी चटनी के साथ ये जो कबाब हैं ये खाना चाहूँगी। और ये जो पराठा है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों है, और बहुत ही गर्म है, हाथ जल रहा है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा उल्टे तवे का। और ये एकदम घुल चुका है, ये जो इसकी खासियत होती है गलौटी कबाब की कि बहुत ही मुँह में जाते ही घुल जाता है, तो सेम वैसा है। और ये हरी चटनी बहुत ही लजीज है, जो मसाले हैं वो बहुत बैलेंस्ड हैं और हर चीज़ का फ्लेवर इसमें आ रहा है। और जो मीट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप कुछ कबाब बना रहे हो, तो मीट भी बहुत फ्रेश है। चटनी, पराठा, ओवरऑल जो ये प्लेट है वो बहुत ही कमाल है। देखिए मैं तो बहुत मज़े कर रही हूँ यहाँ पे, इतना मज़ेदार कबाब खा के, तो मेरे कैमरा मैन है वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं भी खाऊँगा, तो अब उनको भी मौका देते हैं कि टेस्टी कबाब वो टेस्ट करें और बताएं कि कैसा है। तो ये बिरयानी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी है। और राइस क्वालिटी अगर हम देखें तो राइस भी बहुत अच्छा है और बहुत ही लाइट है सब कुछ। ये देखिए मैं बोटी की तलाश में हूँ, मुझे बोटी। और ये देखिए, चलिए। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जो बिरयानी है उसका मज़ा है हाथों से ही है, हाथ से खाने में। तो ये देखिए गरम गरम बिरयानी, ये चिकन बहुत ही अच्छा कुक चिकन है और भुनी हुई प्याज भी इसके ऊपर है। पूछो बहुत ही अच्छा इसका जायका है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। मसाले बहुत ही लाइट हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें डोमिनेट कर रहा है कोई टेस्ट, ऐसा नहीं है, सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है। चिकन बहुत अच्छे से पका हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लोग इतने नहीं होंगे जितने रेस्टोरेंट्स हैं, बट यू नो आई लिव वेरी क्लोज बाय, बट द कबाब, द टेंडर एंड द टेस्ट एंड द सॉफ्टनेस इवन ऑफ द पराठा इज अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट। एंड अनफॉर्चुनेटली सिंस आई हैव सो मेनी ऑफ चॉइसेस, That's why I think this is my third visit here, but it is the kebab is a very soft, very tender, and I really enjoy the food and the ambiance and the crockery and everything, it counts a lot. चाशनी है, इसमें केसर डाला हुआ है ताकि जलेबी का रंग तो अच्छा आए और वो जो स्वाद है उसका वो भी बढ़ जाए। आई डोंट नो वो क्रंचीनेस की आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं, बट जलेबी बहुत ही कमाल की है, टेस्ट बहुत अच्छा है, क्रंचीनेस बहुत कमाल की। और ये जो रबड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है वो इसमें चार चांद लगा देता है। ये इतना लजीज खाना जो हम खा रहे हैं, इसके पीछे जो शख्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान। हेलो। ये मैनेजर है लखनऊई रेस्टोरेंट के। और अदनान, ये इतना शानदार खाना आप परोस रहे हैं लोगों को, तो कुछ बताइए कि कैसे ये आइडिया आया आपके दिमाग में और खाने का जो ये जायका है इसका राज क्या है? दिल से बना रहे हैं सबसे पहले ये है, और हमारे जो किचन की टीम है वो बड़ी बड़ी टैलेंटेड, बड़ी स्किल टीम है। दे नो एग्जैक्टली कि किस तरीके से क्या चीज़ बनानी है। इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हम लोग काफ़ी काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हम काफ़ी काम करते हैं,
अगर हमारे रिव्यूज़ देखे जाएँ डिफरेंट एग्रीगेटर्स के ऊपर तो वो 4.3 4.5 के बीच में चलते हैं। तो थैंक यू सो मच, इतना मज़ा आया हमें यहाँ पर खाना खा के। तो थैंक यू, आप भी आए यहाँ पर और जो यहाँ का टेस्टी ऑथेंटिक लखनवी खाना है वो ट्राई करें और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्यों अदनान? 100%। तो बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप यहाँ पर आना चाहें अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आएँ और यहाँ का जो टेस्टी जायकेदार खाना है वो ज़रूर ट्राई करें। ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं और मेरे चैनल फराह खान दिल्ली वाली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।